हेलो एवरी वन वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल अपैक्स ट्यूटोरियल्स एंड इन दिस वीडियो वी विल कीप कंटिन्यू द एक्सपेनेशन ऑफ आवर चैप्टर मदर्स डे फ्राम स्नैपशॉट्स और पॉसिबली ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आज होने वाला है इस चैप्टर में हमारा सॉरी इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है तो लेट स्टार्ट और हमारा पेज नंबर फोर्टी नाइन था जिसमें हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली धीरे से डोरिस बाएं दरवाजे से दाखिल होती है लुकिंग मिजरेबल थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है लुकिंग मिजरेबल ये यहाँ पे वो परेशान दिखाई दे रही है शी इज़ स्टिल वियरिंग द रैप और अभी भी वो पीले रंग की ड्रेस जो पहनी हुई थी वो उसने पहनी हुई है मिसिज पियर्सन सिट्स ऑन सैटे मिसिज पियर्सन सैटे में बैठती हैं मिसिज फिजरॉल्ड हेलो डोरिस डियर और क्या बोलती हैं मिसिस फिजरॉल बोल रही हैं हेलो डॉरिस डियर डॉरिस जवाब देती है मिजरेबली थोड़े परेशानी से हेलो मिसिस फिजरॉल तो मिसिस फिजरॉल कहती हैं आई थाट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टो नाइट मैं समझती हूँ या मुझे लगता है या जहाँ तक मुझे पता है या मैं सोचती हूँ कि तुम आज चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी डॉरिस एनॉइड थोड़ा नाराज़ होते हुए डॉरिस थोड़ी नाराजगी के साथ क्या कहती है डॉरिस वॉट इज़ दैट टू डू विद यू वॉट इज़ दैट टू डू विद यू यानी आपको इस बात से क्या मतलब है मैं जाने वाली थी या नहीं जाने वाली थी आपका तो इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए ये यहाँ पे डॉरिस मिसिज फिटरॉल्ड को कह रही है मिसिस पियर्सन शार्पली थोड़ा तेज़ी से स्टॉप दैट बंद करो ये और मिसिस फिजरॉल जो वहीं पे बैठी हुई हैं नर्वसली थोड़ा बदावाजी से नो इट इज़ ऑल राइट नहीं ठीक है सब कोई बात नहीं है सही है अब मिसिज पियर्सन एसन थोड़ा कठोरता से जोर देकर इट इज़ नॉट ऑल राइट ये ठीक नहीं है आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनी बडी लाइक दैट मैं मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी ऐसी हो कि जो दूसरों के साथ बात करते हुए मैनर्स ना रखती हो या इस अंदाज़ में दूसरों से बात करे नाउ एंसोर मिसिज फिचरॉल प्रॉपरली और डॉरिस को कह रही है धमका करके कि अब मिसिस फिजरॉल को बिल्कुल सही से जवाब दो डॉरिस और गो अपरस अगेन नहीं तो दोबारा ऊपर चली जाओ डॉरिस लुक्स वॉन्डरिंगली एंड एट एट हर फादर वॉन्डरिंगली हैरानी से या फिर याचना भरी नज़रों से या फिर ऐसी नजरों से कि जिससे वो फादर से हेल्प मांग रही हो फादर को कह रही हो देखना किस तरह से बात कर रही हैं तो अब लेट्स फादर क्या कहते हैं फादर जो है डिस्पेयर निराशा में निराश हैं। डोंट लुक एट मी मेरी तरफ मत देखो बेटी आई गिव मैं तो छोड़ चुका हूँ आई जस्ट गिव मैंने अभी अभी छोड़ दिया है मिसिस पियर्सन फियर्सली फियर्सली थोड़ा सा जोर देकर या उग्रता के साथ या कठोरता के साथ वह ठीक है आंसर और उन्हें जवाब दो साल के लिए थोड़ा नाराज़गी के साथ जवाब देती है और नाराज़गी के साथ जवाब देते हुए क्या कहती है यहाँ सल के लिए थोड़ा नाराज़गी के साथ जवाब देती है कह रही है आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट मैं आज की रात चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही थी बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ लेकिन अब मैंने इस इरादा बदल दिया है अब मैंने उसे छोड़ दिया है मिसिज फिचरॉल्ड ओ अ पीटी अरे बड़े अफसोस की बात है कैसी दुख की बात है डियर प्रिय वाई हैव यू क्यों छोड़ दिया तुमने अब डॉरिस कह रही है क्या कह रही है डॉरिस वे द फ्लैश ऑफ टाइम पर एकदम से बोलती है है ना एकदम से बिकॉज क्योंकि इफ़ यू मस्ट नो यानी तुम भी जान लो जरूरी है तुम भी जान लो आवश्यक है तुम्हारा भी जानना माई मदर इज बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल यानी मेरी माँ मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है मुझे परेशान कर रही है एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ और कह रही है कि उसके तो दांत बाहर को निकले हुए हैं एंड इज़ हाफ विडेड और वो सन की भी है हाफ विडेड आधे दिमाग का भी है मिसेस फिजरोल्ड बड़ी परेशान हो जाती हैं चूंकि उनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है और उनकी बेटी उनकी फैमिली के साथ ऐसा बर्ताव हो रही है हो रहा है तो राधर बोल्डर थोड़ा और निर्भीक होते हुए थोड़ा और साहस करते हुए टू मिसिज पियर्सन मिसिस पियर्सन ओ यू शुड हैव सेट दैट अरे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था मिसिज पियर्सन शार्पली तेजी से मिसिस फिजरॉल्ड आई विनेज माई फैमिली यू मैनेज यैमिली को मैनेज करूँगी आप अपनी फैमिली को मैनेज करेंगे जॉर्ज ग्रीमली थोड़ा सीरियसली उदासी से सीरियसली टेकिंग हर ऑफ नाउ टेकिंग हर ऑफ नाउ अब उन्हें भेज रही होना अब उन्हें भेज रही हो आर यू हैनी क्या तुम भेज रही होनी मिसिज पियर्सन इवन मोर ग्रीमली थोड़ा और ज्यादा सीरियस होते हुए दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब वो क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जॉर्ज डोंट फॉरगेट मत भूलो एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस और डोरिस तुम दोबारा से रोना शुरू मत कर देना अब मेजिस पे भाई पूरा फ़र्क पड़ रहा है माँ का दिल है आखिर क्या कहती है गैडिंग अप उड़ जाती है विद सडन डिसीजन अचानक से डिसीजन लेती है और क्या बोलती है दैट्स इनफ बहुत हो चुका क्वाइट इनफ बहुत ज्यादा हो चुका जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर एट हर बेविल्डर्ड और हैरान परेशान से जो जॉर्ज और डॉरिस हैं वो उसकी ओर देख रहे हैं किसी किसकी मिसिस फिज की ये हो क्या रहा है नाव वी मूव टू नेक्स्ट पेज टू जॉर्ज एंड डोरिस जॉर्ज और डोरिस से नाउ लेसन अब सुनो यू टू तुम दोनों आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसिज फिट्स मुझे मिसिज फिट्सॉल्ड के साथ में कुछ प्राइवेट अपनी पर्सनल जो है ज़ाती कुछ बात करनी है शी करेक्ट हर सेल्फ है ना अपने आप को क्या कह रही है मिसिस फिजरॉल्ड के साथ में बात करनी है जबकि मिसिज फिटरॉल्ड ही बोल रही हैं और मिसिज फिटरॉल्ड के साथ बात करने को कह रही हैं तो क्या करती है जल्दी से अपने आप को सही करती है करेक्ट करती है अपने आप को शी करेक्ट हर सेल्फ क्या कहती है जल्दी में हे hey स्टिल और विद मिसिज पियर्सन और क्या कहती है मिसिस पियर्सन के साथ सो आई एल बी ऑबलाइट इफ यू लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स मैं आपकी आभारी रहूंगी अगर आप कुछ मिनटों के लिए हमें अकेला छोड़ दें आई लेट यू नो वैन वी हैव फिनिश्ड जब हम लोग बात खत्म कर चुके हैं मैं आपको बता दूंगी गो ऑन प्लीज कृपया जाइए आई प्रोमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेटेड मैं आपसे वादा करती हूं कि आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा देर इज समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं ही ठीक कर सकती हूँ जॉर्ज बोलता है क्या कहता है राइजिंग उठते हुए आई एम ग्लैड समबड़ी कैन मुझे खुशी है कि कोई तो कर सकता है बिकॉज आई खांड क्योंकि मैं नहीं कर सकता कम ऑन आउड जॉर्ज एंड डॉरिस एग्जिट लेफ्ट बाई तरफ से जॉर्ज और डॉरिस निकल जाते हैं एज दे गो मिसिज फिजरॉल्ड मूव टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स जैसे वो निकलते हैं तो मिसिज फिजरॉल्ड जिनके अंदर मिसिज पियर्सन की सोल है मूव टू लेफ्ट बाई तरफ तेजी से जाती हैं छोटी टेबल के पास मेज़ के पास और बैठ जाती हैं शी ईगरली बेकस मिसज पियर्सन टू डू द सेम थिंग और वो मिसिस पियर्सन से क्या करती हैं वापस बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उन्हें क्या करती हैं है? इशारा करती हैं बेकंस बेकंस का मतलब होता है इशारा करती हैं उन्हें इशारा करती हैं मिसिस पियर्सन को टू डू द सेम थिंग सेम थिंग यानी वही क्या सोल का एक्सचेंज वापस फिर से ओरिजिनल पर्सनैलिटीज बन जाए मिसिस फिजरॉल्ड मिसिस फिजरॉल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ अब देखिए मिसिस फिजरॉल्ड बोल रही है और दूसरी वाली को अब वो दोनों जो हैं अकेली हैं और एक दूसरे को जानती अच्छी तरह से तो वी मस्ट चेंज बैक नाउ हमें अब वापस बदलना ही होगा वी रियली मस्ट वास्तव में हर हालत में तो मिसिस पियर्सन क्या कह रही हैं राइजिंग उठते हुए वाई क्यों मिसिस फिजरॉल्ड बिकॉज दिस हैज गोन Enough, बहुत दूर तक बात पहुंच गई है आई कैन सी देर ऑल मिजरेबल मैं देख सकती हूँ वो सब परेशान है आई कॉन्ट बेर में यह बर्दाश्त नहीं कर सकती मिसिज पियर्सन अब बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू दैम गुड थोड़ा और उनके साथ इसी तरह का बर्ताव उन्हें अच्छा कर देगा मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी पहले ही काफी बड़ा अंतर आ चुका है शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स वो टेबल के सीधी तरफ दाइनी तरफ चली जाती है और बैठ जाती है मिसिज फिटरॉल्ड नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट नहीं नहीं मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं रियली आई कांट वास्तव में नहीं कर सकती हूँ वी मस्ट चेंज बैक हमें वापस बदलना ही होगा हर हाल में अब जल्दी करो प्लीज कृपया मिसिज फिशरॉल्ड आप मिसिज पियर्सन जो कि मिसिस फिशरॉल्ड हैं एक्चुअली क्या कहती हैं भारत ठीक है इफ यू इंसिस्ट अगर तुम जोर देती हो तो मिसिज फिशरॉल्ड यस आई डू हाँ हाँ मैं जोर देकर ही कह रही हूँ प्लीज प्लीज कृपया कृपया क्रिप करके बदल शी स्ट्रेचिज हर हैंड अक्रॉस द टेबल इगरली और उत्साह उत्सुकता बक्ष वो खुद ही स्वयं ही अपने हाथ टेबल पर फैला देती है फैला देती है मिसेस पियर्सन टेक्स डैम और मिसेस पियर्सन उन्हें पकड़ लेती है अब मिसेस पियर्सन क्या बोलती है क्वाइट ना हो शांत हो जाओ रिलैक्स बिल्कुल आराम से बैठ जाओ कोई हरकत नहीं मिसिज पियर्सन एंड मिसेस जरॉल्ट स्टेयर एड ईच अदर दोनों एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाकर देखती हैं मर्डरिंग वो जो क्या करती है बुड़बुड़ बुड़ करती है कौन एग्जैक्टली एज बिफोर बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले और फिर वो बुदबुदाना शुरू कर देती है जो मिसिस पियर्सन के अंदर मिसिस फिजरॉल्ड की सोल है और ये अर शा डम अर्शटा शा अर डम बाना ये जो पहले उन्होंने मैजिक स्पेल जो जादुई मंत्र बोले थे उन्हें फिर से बोलती है दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर और उन्होंने बिल्कुल ठीक वैसे ही एक्शन किए जैसे पहले किए थे गिविंग लैक्स है ना लैक्स लैक्स मैंने पहले आपको बताया था लैक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टाउट यानी बिल्कुल स्थिर बिना किसी हरकत के जो है स्टेचू टाइप बन जाना एंड देन कमिंग टू लाइफ और फिर से वापस उनमें जीवन आ गया बट दिस टाइम लेकिन इस बार ऑफकोर्स दे बिकम देअर प्रॉपर पर्सनैलिटीज इस बार वो आ, वास्तव में अपनी खुद की ही पर्सनैलिटीज बन गई मिसिज फिचरॉल्ड क्या बोलती हैं आओ वाल आई इंजॉय दैट यानी के अंदर मिसिस फिचरॉल्ड की सोल आ जाती है और क्या बोलती है मुझे बड़ा मज़ा आया मिसिज पियस आई डिडेंट नहीं भाई मुझे कोई मजा नहीं आया मैंने कोई मज़ा नहीं किया तो मिसिज फिचरॉल्ड क्या कह रही है वाल well, ठीक है यू ऑट टू हैव डन मतलब तुम्हें करना चाहिए था भाई Now, अब, listen, सुनो नाउ वी टर्न टू पेज नंबर बोल रही है मिसिस पियर्सन दोबारा फिर से उनके साथ सॉफ्ट बर्ताव मत कर लेना नरम मत हो जाना एज इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड नहीं तो जितनी मेहनत की है जो कुछ किया है वो सब बेकार चला जाएगा यूजलेस हो जाएगा मिसेस पियसन आई ट्राई नॉट टू यानी मैं कोशिश करूँगी कि वो बेकार ना जाए मिसेस फिजरॉल्ड अब मिसेस फिजरॉल्ड क्या कह रही हैं? दे हैव नॉट हैट एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन दैम यानी इतने लंबे समय तक ये नाटक नहीं चला जितने लंबे समय तक मैं चलाना चाहती थी मैं तुम्हें मैं उन्हें और थोड़ा सा अनदर आर और टूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट इट्सर्टेन यानी एक और दो घंटे का जोर थोड़ा सा जो है अगर मैं रफ़ बिहेवियर रफ़ ट्रीटमेंट उन्हें दे देती उनके साथ ऐसा बर्ताव कर लेती जैसा करती आ रही थी तो फिर निश्चित हो जाता वो ठीक हो जाते बिल्कुल एकदम है ना अब मिसेस पियर्सन क्या कह रही हैं आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ मुझे पूरा यकीन है कि वो अब बेहतर करेंगे दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हालांकि मैं नहीं जानती कि मैं उन्हें किस तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से उन्हें मैं बता पाऊँगी यस uh, yes. uh, यहाँ पे क्या कह रही हैं कि मैं किस तरह से उन्हें बता पाऊंगी अपोलोजाइजिंग सॉरी डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यस मिसिस फिजरॉल ये रहा मिसिज फिजरॉल क्या कह रही हैं सीवियरली थोड़ा सा कठोरता के साथ डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और एपोलोजाइजिंग उनको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना या उनसे माफ़ी मांगना शुरू मत कर देना है ना कह रही है मत शुरू कर देना और यू आर डन फॉर नहीं तो तैयार रहना उसका परिणाम भुगतने के लिए और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है मिसिस पियर्सन विद स्पिरिट आत्मीयता के साथ इट इज़ ऑल राइट फॉर यू देखिए आपके लिए ये कहना बहुत आसान है आप कह सकती हैं मिसिस आफ्टर ऑल, बैर आल दे आर योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। चूँकि वो ना तो आपके हस्बैंड हैं ना आपके बच्चे हैं इसलिए आप आराम से बात कह सकती हो मिसिज फिजरॉल क्या कर रही करें फिर इम्प्रेसिवली थोड़ा प्रभावपूर्ण तरीके से वो बात कर रही है क्या कर रही करिए नाउ यू लिसन टू मी अब तुम ध्यान से मुझे सुनो यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग दैम तुमने खुद स्वीकार किया था कि तुम उन्हें बिगाड़ रही थी एंड दे डिडेंट अप्रिशिएट यू वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते थे एनी अपोलोजीज किसी भी तरह की क्षमा याचना एनी एक्सप्लेशन किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लेशन देना के मतलब जो है आ, सफाई देना एंड यू

पताने के लिए उन्हें ये आ, पास करने के लिए कि तुम कठोर भी हो सकती हो टफ भी हो सकती हो सख्त मिजाज भी हो सकती हो जब तुम चाहो एंड इट ऑट टू वर्क और ये काम करना चाहिए एनी हाउ खैर बहरहाल वी कैन टेस्ट इट हम इसका परीक्षण करें कर सकते हैं मिसेस पियर्सन कैसे कैसे कर सकते हैं मिसेस फिजरॉल कहती है वेल well, ठीक है वॉट इज इट यूड लाइक दैम टू डू दैट दे डोंट डू मतलब तुम उनसे क्या कराना चाहती हो जो वो नहीं करते हैं स्टॉप एट होम फॉर वंस एक बार घर पे रुकना मिसिज पियर्सन यस हाँ एंड गिव मी अ हैंड विद सपर और शाम का भोजन तैयार कराने में, में मेरा हाथ बढ़ाए मिसिज फिजरॉल कहती है एनी थिंग यू वुड लाइक देम टू डू जो कुछ भी तुम चाहती हो कि वो करें दैट यू इंजॉय वेदर दे डू और नॉट मतलब तुम इंजॉय करूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंजॉय करें ना करें उन्हें मजा आए ना आए उन्हें अच्छा लगे ना लगे अब मिसिज पियर्सन क्या करें हेजिटेटिंगली थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वेल ठीक well, है यस हाँ आप लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी यानी मैं एक अच्छा सा रमी का खेल ताश का खेल खेलना चाहती हूं बट लेकिन ऑफकोर्स वास्तव में आई हार्डली एवर है एक्सेप्ट एट क्रिसमस क्रिसमस के अलावा क्रिसमस को छोड़कर मुश्किल से ही कभी मैंने रमी का गेम उनके साथ बैठ कर खेला होगा अब गैडिंग उठते हुए तो वही करो शी मूव टू वार्डस द डोर लेफ्ट दे टू टू वार्डस द डोर बाई तरफ का जो दरवाजा उसकी तरफ चलती है then turns फिर मुड़ जाती है बट रिमेंबर लेकिन ध्यान रखना की फॉर्म मजबूत रहना है ना की फॉर्म मजबूत रहना और यू हैव हैड इट नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और तुम गलत परिणाम के लिए तैयार रहना शी ओपन द डोर वो दरवाजा खोलती है कॉलिंग हो यू कैन कम इन नाव यानी उन्हें आवाज दे के अरे भाई सुनो तुम लोग अब अंदर आ सकते हो कमिंग अवे फ्रॉम द डोर और दरवाजे से फिर दूर आती हुई वापस आती हुई एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली और दाहिनी तरफ धीरे से शांतिपूर्वक धीरे से शांतिपूर्वक जाते हुए बट रिमेंबर लेकिन याद रखना रिमेंबर याद रखना अ फॉर्म हैंड मतलब मजबूत बने रहना दृढ़ता के साथ जॉर्ज डॉरिस एंड सायरिल फाइल इन थ्रू द डॉर्वे लाइन के साथ कतार के साथ जॉर्ज फिर डॉरिस फिर साइरल अंदर आते हैं लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसिस पियर्सन और वो उदासी भरी नजरों से मिसिस पियर्सन की ओर देख रहे हैं चूंकि अभी अभी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो चुका है आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इंजॉय योर सेल्फ और मिसिस फिजरॉल क्या कह रही हैं कह रही हैं मैं तो जा रही हूँ बस टू लेट यू इन्जॉय योर सेल्फ आप लोग अपना मज़ा करें आनंद लें मैं अभी जा रही हूँ नाउ वी मूव टू पेज नंबर फिफ्टी टू और ये लास्ट पेज है और ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाने वाला है द फैमिली लुक्स एंक्शसली एट मिसिस पियर्सन और परिवार जो है बड़ी चिंता भरी नज़रों से मिसिस पियरसन की तरफ को देख रहा है वो स्माइल्स जो मुस्कुराती हैं मच रिलीव्ड बहुत ज़्यादा जो है रिलीव्ड का मतलब प्रेशर नहीं रहा अब आराम के साथ में दे इस्माइल बैक एट हर और आ, यानी आ, उनकी मुस्कुराट को देख के जो फैमिली है वो भी थोड़ा सा रिलीव फील कर रही है और क्या कह रही है वो भी वापस बदले में मुस्कुराती है डॉस एंशसली चिंता तो करते हुए यस माधोर जी माता जी मिसिज पी एसन इसमा मुस्कुराते हुए सींग दैट यू डोंट वॉन्ट टू गो आउट ये देखते हुए कि तुम बाहर नहीं जाना चाहती आई टैल यू वाई थॉट वी वुड डू मैं तुम्हें वो बताती हूँ जो मैंने सोचा है हम लोग करेंगे मिसिज जो अभी वहीं खड़ी हुई है गिविंग अ फाइनल वार्निंग और एक आखिरी चेतावनी देते हुए रिमेम्बर याद रखो मिसिज पियर्सन नोडिंग सीरी लाते हुए लुकिंग शार्पली एट द फैमिली फिर तेज नजरों से फैमिली की तरफ देखते हुए नो ऑब्जेक्शन आई होप किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आई होप मैं आशा करती हूँ जॉर्ज हम विनम्रतापूर्वक नो मदर यू से अब यह मदर एक्चुअली सायरिल होना चाहिए यहाँ पे जो है क्योंकि वो मदर थोड़ा ही ना कहेगा जॉर्ज जो है तो सायरल के वर्ड्स होने चाहिए सायरल कह रहे हैं नहीं नहीं माँ और मतलब जो है हमें क्या ऐतराज़ होगा ठीक है ना नो मदर वट एवर यू जो भी आप कहें मिसिज पी एसराव अफ रमी मैं सोचती हूँ कि हम लोग सब पूरे फैमिली परिवार के लोग बैठ के एक रमी का खेल खेलें एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर और तब तुम दोनों बच्चे लोग जो है सपर तैयार कर लो यानी रात का भोजन जो है वो तैयार कर लो और तब मैं तुम्हारे फादर के साथ बैठ के कुछ बातचीत करूँगी और जॉर्ज इतने में फोन थोड़ा सा दृढ़ता पूर्वक आ, सूट्स मी। नहीं नहीं मुझे म, म, मुझे ठीक है मैं मैं तैयार हूं इसके लिए ही लुक्स चैलेंजिंग चैलेंजिंग एट एट द चिल्ड्रन और वो चेतावनी पूर्ण नजरों से बच्चों की ओर देखता है और क्या कहता है वर्ड अबाउट यू टू तुम दोनों के बारे में तुम क्या सोचते हो तुम्हारा क्या ख्याल है साइरिल तेजी से एकदम जल्दी से यस हाँ हा, दैट इज ऑल राइट बिल्कुल ठीक है डॉरिस थोड़ा एजी की हिचकिचाते रहती है थोड़ी सी हिचकिचाती है डॉरिस वेल ठीक uh, है आई और उसके शब्द यहीं रह जाते हैं क्योंकि मिसेस पियर्सन उसकी बात काट देती है और शार्पली तेजी से क्या बोलती है व्हाट क्या स्पीक अप जोर से बोलो डोरिस हैस्टी डोरिस भी तेजी से एकदम से ओ आई थिंक इट वुड बी लवली नहीं नहीं मैं सोच रही हूँ, बहुत ही अच्छा विचार है बहुत बढ़िया रहेगा मिसेस पियर्सन स्माइलिंग मुस्कुराते हुए गुड बाय मिसेस फिट्जेरेट ऑल कम अगेन सून दोबारा फिर आना मिसिज फिर यस डियर हा प्रिये गुड नाइट ऑल सबको रात की नमस्ते नाइस टाइम nice अच्छा समय हो आपके पास मिसिज लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज और मिसिज फिटचर जो है बाई तरफ से निकल जाती हैं और पूरा परिवार मिसेस पियसन को घेर कर बैठ जाता है द करटेन फॉल्स और पर्दा गिर जाता है और नाटक का ड्रामे का अंत यहीं पे हो जाता है चैप्टर हमारा फिनिश हो गया होप यू एंजॉयड एक्सप्लेशन बिल्कुल मजा आया होगा आपको और एक एक वर्ड आपकी समझ में भी आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग अपैस ट्यूटोरियल थैंक यू